टीवी एन आर आई देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल ही ना इवनिंग बुलेटिन दे विच एक बार फिर तो तुहाडे सारयां दा स्वागत है। खबरां दी शुरुआत करदे हां अज दीआं मुख खबरां दे नाल। जलंधर च एक महिला कॉन्सटेबल ते औरत ने लगाए अपने पति नाल अफेयर दे दोष, तंग आ के खुद ते पेट्रोल पा के अग लगाउण दी कीती कोशिश। भिखीविंड विच चोरियां दा सिलसिला लगातार जारी, चोरां वल्लों 50 रोंद 31 तोले सोने समेत 1.5 लाख नकदी कीती चोरी। गुरदासपुर के पिंड निकूसरा विच मामूली तकरार पिछों एक 40 साला व्यक्ति दे सिर च कहीं मार के किता कतल, पुलिस कर रही है जांच। कोटकपुरा च जबरदस्त गैंगवार अन्नेवा चलियां गोलियां, एक नौजवान दी मौत। नागपुर तो रू कंबाऊ घटना, इस सामने व्यक्ति ने अपने परिवार का गला वड के कीती हत्या ते खुद भी कीती खुदकुशी। आओ नज़र मार लेंदे हां कुछ विस्तार दे नाल इन्हां खबरां ते। सब तो पहला गल करांगे जलंधर दी, जिथे एक महिला दे वल्लों एक लेडी कॉन्सटेबल ते अपने पति दे नाल अफेयर दे आरोप लगाए गए ने अते महिला दे वल्लों अपने उपर पेट्रोल पा के अपने आप नूं साड़न दी वी कोशिश कीती गई है। जलंधर के उजाला नगर में अज एक घर के बाहर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक औरत ने उस घर की मालकन जो महिला कॉन्सटेबल है उत्ते अपने पति नाल नजायज संबंध होने के दोष लाया। मौके उत्ते पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी ली तो कोई नहीं मिलिया, पर घर की मालकन ने कहा कि औरत का उसके पति नाल भरा वाला संबंध है। औरत ने कहा जेकर उसका पति वापस नहीं मिलिया तो वह पेट्रोल छिड़क के खुद को अग लगा लेगी। मिली जानकारी अनुसार परथ की रहने वाली मनप्रीत कौर अज महिला कॉन्सटेबल गुरप्रीत के घर से पहुंची और उसने रौला पाना शुरू कर दिता कि उसका पति महिला कॉन्सटेबल के घर में है। बस्ती बावा खेल की पुलिस मौके उत्ते पहुंची और घर की तलाशी ली पर कोई नहीं मिलिया। मनप्रीत ने दसिया कि उसके पति के कपड़े अंदर हैं। जानकारी अनुसार मनप्रीत ने अपने आप उत्ते पेट्रोल भी छिड़क लिया पर उत्थे मौजूद पुलिस ने उसनू अजिहा करने तो रोक दिता। मनप्रीत कौर अनुसार उसका विआह होए नू 10 साल हो गए। पिछले 3 साल तो पति का अफेयर इस महिला कॉन्सटेबल नाल चल रहा है और वह रोज़ रात इसके कोल आता है तो सवेरे निकल जाता है। उसने कहा कि उसने इन्हों दोनों नू रंगे हत्थी फड़िया सी अते पुलिस नू शिकायत भी दी पर अजे तक कुछ नहीं होया। जेकर उसका पति नहीं मुड़िया गया तो महिला कॉन्सटेबल के घर में अग लगा देगी तो ना ही खुद को भी अग लगा लेगी। उसने दसिया कि महिला ने 3 घंटे बाद दरवाजा खोलिया ता जो उसका पति भज सके। इधर कॉन्सटेबल गुरप्रीत ने कहा कि इसका पति उसका भरा बनया हुआ है, उसनू कोई काम हुंदा है ता ही आता है, उसका घर है, उसकी मर्जी है और दरवाजा खोले ज ना खोले। मौके उत्ते पहुंची महिला ASI बलजीत कौर ने कहा कि फिलहाल तलाशी में इसका पति इतने नहीं मिलया पर अफसरां नू रिपोर्ट दे के इस औरत की तसली जरूर करवाई जाएगी। दोवां धिरां नू पुलिस टीम ने थाने विच बुलवाया है। की गल की हुई है मैम? गल ये सर, मेरी मैरिज नू 10 साल हो गए आ, 10 साल ब्याह नू होए, 3 साल हो गए। मेरी हस्बैंड दा अफेयर एक लेडीज पुलिस गुरप्रीत कौर दे नाल चल रिहा। 3 साल दे वरी मैं बहुत वरी इन्हां नू रंगे हत्थ फड़िया है। पुलिस ते बहुत वरी रिपोर्ट होई है, थाना पुलिस होया, मारकटिया भी होया, पर पुलिस कह दिंदी कानूनी कोई जुर्म नहीं हैगा, रिलेशनशिप बंदा रख सकदा, लिविंग रिलेशन ठीक है सर, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं थी। SP दे डिवीजन नंबर 1 हर पासे मेरा पर्चा चल रहा, समन भी निकलते पर मैडम मौजूद नहीं होंगी। मौके पर मैं परसों भी पुलिस कहती पढ़ाओ, मैं परसों फोन किया, पुलिस वाले बुआ खड़काते रह गए, पैरों ने दरवाजा नहीं खोलिया। अज भी मैं रेट मारी आ तो 3 घंटे हो गए सानू बुआ खड़काते, सब कुछ करते दरवाजा नहीं खोलिया। कलाश में मैडम आए आ, उन्होंने बुआ खिलाया, अंदरों जो असं गए वे कपड़े वगैरह सारे मौजूद आ, पर उन्होंने फरार करता पिछले दौड़ा के। मैडम की नाम है ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪ੍ਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਾਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੈਮ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੋਣਾ, ਦੱਸੋ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ?
कपड़े वगैरा सब कुछ मौजूद है देख सकते हो कि ब्रदर अपनी वाइफ को नहीं जा रहा, दो दो साल सिस्टर को रह रहा, कौन रह सकता है? सर आन के मैं देखिया जो लेडी जी कह रही है मेरे इन्हां दा आपस विच रिलेशन है मेरे हसबैंड दे ए लड़की नाल, ते सर जो अंदर जाके देखिया तलाशी की गई है अंदर कोई नहीं मिलिया, उपर जग साहब को तलाशी की है, इन्हों का पहला भी कितने मामला आपस में चलता है। मैडम लेडीज़ वालों बार बार कहा जाता कि मैं घट्टो घट्ट 3-4 महीने हो गए पुलिस को जाते हुए, मैं कई बार रंगे हाथी भी इतने फड़ाया पर मेरी कार्रवाई नहीं की। नहीं सर साढ़े को जो भी इन्हें दरखास्त दी इन्हें समझौता कर लिया सी भी मेरा हसबैंड इतने नहीं आऊगा। तो मैम अज जिदा इन्होंने पेट्रोल पा के अपने आप को अग लाने की भी कोशिश की, तो जिहड़े ASI साहब आए थे उन्होंने इन्होंने कोलों पेट्रोल भी खोया है, तो की ये बारे कहना? सर वो असी अफसर डिस्कस करके तो जो मर्जी कार्रवाई करा जिदा भी ये चाहेगी उदा ही। तुसी मैम अंदर सर्च भी करन गए सी, तुहानू की मिलिया? कोई नहीं मिला, कोई आदमी नहीं। जिहड़े ये लेडीज़ हैगे जिन्हों का घर है ये कौन है, कित्थे लगे हुए है? ये लेडी कॉन्सटेबल गुरप्रीत कौर आ, ये पहला बस्ती बाबा खेल लगे सी, चोरियां दा सिलसिला लगातार जारी है, हुण चोरां दे वल्लों 50 रोंद ते 31 तोले सोने समेत 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी की गई है। ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਾਛੀਕੇ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਕੱਚਾ ਪਿਹੂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਅਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਛੀਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਬੀ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਬੈੱਡ ਬਾਕ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ, 32 ਬੋਰ ਸਮੇਤ 50 ਰੋਂਦ, 32 ਬੋਰ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,06,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 1,00,000 ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,00,000 ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 31 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 15,00,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬ 17,50,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਚੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ DVR ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਥਾਣਾ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ SI ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਸਕਾਡ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲੋਬੀ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਲੋਕ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਲਾਰਾ ਕਲੂਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਸੰਸੀ ਰਿਵੋਲਵਰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਸੰਸ, 50 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ 31 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ,
एक कैमरिया का डी वी आर जो भी यदा निका मोटा समान नाल लगा है एल सी डी कली रहन दी बाकी सारा कुछ लग गया दरखास्त दिती है। दरखास्त किदन दिती है? दरखास्त कल ही जो पता लगा उदों ही हफड़ा दफड़ी मच गई उदों ही उस वे सद लिया है तो आगे मौका वेख गए उस तो बाद अज कुत्ते कत्ते लै के आए हैं अपने फिंगरप्रिंट वगैरह तो हम देखो अगली कार्रवाई बनती करे भरोसा दिता एस एच ओ साहब ने। तो अं किस तरह की मांग करते? नहीं तो इंसाफ की मांग करते हैं भी एक तो मेरे फादर साहब की डैथ हुई तो रब ने तो जो करना करना जो इंसान ने साड़े एड्डा व्डा धोखा करता वा तो है तो साडा जान पछाण वाला ही हो सकता जो सीधा ही अंदर गया किसी होर चीज़ में छेड़िया नहीं गया है तो कुछ मेरा जिस तरह मेरे सहुरे तो पिया सारा ही एक थान पिया है गोदरेज की बीमारी सारा ही सर वो पोस्टमैटिक जो आप जिन्होंने बनावटी सोना जहाँ कह दें सारियाँ छड गए तो जी जी ओरिजिनल चीज़ से सारी लै गए अलमारी तो बैड ही बस खोले है पेटियाँ जो लसेंसी रिवॉल्वर चोरी है वो संबंधी भी कोई दरखास्त दी है क्योंकि वो मिसयूज भी हो सकता। हाँ जी वो संबंधी उदों ही नाल दरखास्त देती भी सर मेरा लसेंसी रिवॉल्वर तो मेरा 50 गोलियां है नाल नाल मेरिया अपना लसेंस भी नाल ही लै गए दिलवाग सिंह पुत्र हरभजन सिंह उपर कलोनी रेंदे ने पहले माछी के पिंड रेंदे सी उहदे फादर की डैथ हो गई जी 10 तरीक वो अपने फादर की डैथ संबंध पिंड गया होया उस तो बाद एक दो दिन वापस आए फिर 16 फिर वापस चले गए जो कल वापस 20 तरीक नूं आए तो उन्होंने घर चोरी हो गई सी उन्होंने करीब रिवॉल्वर वगैरह तो डेढ़ कोई 1.5 लाख रुपये नकद तो बाकी सोना वगैरह चोरी करके ले गए ने। इस संबंध में सारे नाल जो उन्हें बयान लिखाया उस असी पर्चा दर्ज किया तो उधर ये फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड वाले बुला के उन्होंने भी चैकिंग करने की कोशिश की गई पर उत्थे कोई अजय सुराग नहीं फिर भी असं कोशिश कर रहे हैं बद तो वह चक्की पुछण शांत करके ये निपटारा किया जाए। तरन तारण तो पवन कुमार की रिपोर्ट के गुरदासपुर के एक पिंड दे विच मामूली तकरार हुई तो यह मामूली तकरार खूनी झड़प दे विच बदल गई ते इस दौरान एक 40 साल व्यक्ति की मौत हो गई है। दसिया जा रहा है कि कुछ व्यक्तियों के वलों कहीं नाल इस व्यक्ति का कतल कर दिता गया। गुरदासपुर के हलका डेरा बाबा नानक अधीन पेंदे पिंड निकू सरां विच मामूली तकरार नूं लैके दो धिरां विच खूनी झड़प हुई है। इस झगड़े दे विच एक 40 साल व्यक्ति दे सिर ते सट लगन कारण मौके ते ही मौत हो गई है। मौके ते पहुंची पुलिस ने मृतक देह नूं पोस्टमार्टम लई भेज मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिती है। आओ जानते हैं इस बारे जानकारी दिंदिया मृतक दे परिवारिक मैंबरां ने की कहा है। गुरमीत कौर मेरा इको बेटा जे इन्हां शरेआम उत्थे कतल कीता। किन्ना कीता? मेरे चाचे ने चाचा दो दे बेटे जे नाल हाए एक जवाई जे एक ओदी फौजी दी घर दी जे इन्हां ने मैं कहना चाहुंनी हां मैनू इंसाफ चाहीदा जे मैनू इंसाफ चाहीदा मैनू कुछ नहीं जे चाहीदा होर हाए मैनू इंसाफ दो। उत्थे दूजे पासे घटना दी जानकारी दिंदिया पुलिस अधिकारी दा की कहना है ऐ वी जरा सुनो। सानू इनफॉर्मेशन मिली ही सवेरे इदा इदा इन्हां दी वट तो आड़ ते पानी तो लड़ाई हुई है तो जिहड़ा एक बंदा गुरु नानक अस्पताल दाखिल आ तो उहदे जिहड़ी आ राती जिहड़ी आ एक तो 12 बजे के करीब जिहड़ी आ मौत हो गई है तो उहदे जिहड़े असीं उहदे संबंध में जिहड़ी आ इन्हां दे बयान के आधार पर उहदे भरा दे निर्मल सिंह दे मुकदमा दर्ज करता दोषियों नूं जिहड़ा रेड करन दे फड़ लैणे। किन्ने दोषी सर नाल गिरफ्तार कीता तो नहीं जी गिरफ्तार कर। गुरदासपुर तो अवतार सिंह की रिपोर्ट के नाल दी TVNR आए। कोटकपुरा च जबरदस्त गैंगवार हुई है कुछ नौजवानों के विचाले ते इस दे विच एक नौजवान की मौत भी हो गई है। दसिया जा रहा है कि इस गैंगवार दौरान ताबड़तोड़ गोलियां भी चलियां। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है जी कोटकपुरा तो जिथे दो गैंगां दे विचकार जबरदस्त गैंगवार हुई है अन्नेवाह गोलियां चलाईयां गईयां ने ते जिथे एक नौजवान की मौत भी हो चुकी है। दरअसल कोटकपुरा के रिशी नगर विच मंगलवार सवेरे 11 बजे गैंगवार की घटना सामने आई। इस गैंगवार विच लगभग 15 तो वध राउंड फायर हुए ने ते इस गैंगवार दौरान एक नौजवान की मौत भी हो चुकी है। मृतक की पछाण फिरोजपुर जिले के रहने वाले दीपक सिंह के रूप में हुई है। दसिया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से सवार होकर आए कुछ नौजवानों ने हरवेल सिंह नामक नौजवान से हमला करना सी। मोटरसाइकिल सवारा ने जदों गोलियां चलाईयां तां हरवेल सिंह ने भी अपने बचाव विच गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। इस गैंगवार दौरान एक नौजवान की मौत हो चुकी है। मृतक नौजवान की पछाण दीपक सिंह पुत्र बच्चू सिंह वासी
ਪਲਵਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਧਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਦਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਰੂਕੰਭਾਊ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਪਤਨੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੋਲੀਵਾਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਠੀ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੋਕ ਮਤੂਲਕਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਹਾਲ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਕ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਸਾਲੀ, ਅਮੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੋਕ ਨੇ ਸਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ TVNRI। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ TVNRI ਦੇ ਨਾਲ।